안녕하 है का बस तो चलो भी कर पानी छोड़े एकदम हलवत होता ना इकड़ो बस लमोट बोर बंद कर।
ठीक है ये आपसे आपने ये ना इसको ओलावपट्टी आपसे प्लीज जैसे कि आप देख रहे दोस्तों एक आशीष भाई मानसी ने बोला इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे हम हिंदी में नाग हिंदी में गेहुअन मराठी में नाग बंगाली में खरीस गोखरो पंजाबी में पदम और ये जहरीला सांप होता है इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। शास्त्रीय नाम वैज्ञानिक नाम इसका नाजा नाजा है। जैसे कि आप देख पा रहे काफ़ी उग्र रूप इसने ले लिया है और कोबरा सांप इसी तरह अपना ऊंचा हुड उठाकर सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं उसको काटने की कोशिश करते ताकि उसके कोई नज़दीक ना जाए इसलिए सामने वाले को डराने की कोशिश करता है। इस तरह आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे काफ़ी उसने उसका जो ऊंचा हुड उठाया है और अभी काटने की मुद्रा में आक्रामक होकर वो अपना ऊंचा हुड उठाकर फुंकार भी रहा है और यही खासियत है कोबरा की बहुत ही आक्रामक होते हैं और भारत देश में सबसे आकर्षक यही सांप होता है। आज हम पहुंचे हैं अहमदनगर सिटी में जयंत जांगला इनके घर के पास एक बिल में ये सांप चला गया था इसको थोड़ा हमने खोद करके फिर पानी छोड़ा और इसको बाहर निकला है। तो दोस्तों ये इस सांप को अभी हम एक सुरक्षित स्थान पर पर्यावरण में रिलीज करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जिस तरह मैं पैर हिलाऊंगा उस तरफ ये अपना हुड हिलाएगा और इसी तरह जो सपेरे लोग हैं जो पोटली में सांप लाते हैं हमें बेवकूफ़ बनाते हैं सांप के सामने इसी तरह जो बीन होती है इस तरह हिलाते हैं और सांप यहाँ वहाँ हिलता है और हमें क्या लगता है उसकी बीन की आवाज़ पर ऐसा नाच रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं सांप उस चीज़ को जो पकड़ा हुआ है हाथ में बीन उस चीज़ पर आक्रामक होकर उसको काटने की मुद्रा में यहाँ वहाँ हिलता है जिस तरह वो बीन हिलाएगा उस तरफ वो हिलेगा और हमें क्या लगेगा कि शायद ही वो बीन की आवाज़ पर नाच रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं एक और अंधविश्वास है स्क्रीन पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दे दूँगा। ये यहाँ पर सपेरे लोग जो है हल्के से हाथ से ब्लेड से किसी चूरा के द्वारा उसको काटते ऊपर के ऊपर और उसमें से काला स्टोन निकालते हैं जो हम अंगूठी में डालते हैं वो वाला स्टोन निकाल कर लोगों के सामने दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं भ्रमित करते हैं अंधविश्वास फैलाते हैं और कहते हैं कि वो नागमणि है। तो ऐसा कुछ भी नहीं असल में क्या होता है ये वो लोग सांपों को पकड़ कर रखते हैं उसके बाद पकड़ने के बाद ब्लेड से और किसी चूरा से ऊपर यहाँ पर उसके माथा पर दोनों साइड से हल्के से हाथ से काटते हैं ऊपर के ऊपर और जो मणि होता है जिसे हम स्टोन कहते हैं अंगूठी में डालने वाला काला स्टोन उसमें वो डाल देते हैं और फिर फेविस्टिक से चिपका देते हैं और वही सांप फिर वापस लोगों के सामने दिखा करके उसमें से काला स्टोन निकाल कर दिखाते और कहते हैं नागमणि है। तो दोस्तों इस अंधविश्वास में ना रहे कोई भी ऐसा सांप नहीं है जिसमें नागमणि। तो दोस्तों चलिए अभी बिना देरी के हम इसको बैग में डालते हैं और एक सुरक्षित स्थान पर इस सांप को हम पर्यावरण में रिलीज करते हैं। भैया रुको मैं और दोस्तों आप देख सकते हैं सांप को हम इस पर्यावरण में रिलीज कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी फुर्ती से वो पर्यावरण से वीडियो को जरूर लाइक करिए शेयर करिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।